हाँ दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे माननीय जो सांसद हैं माननीय जया बच्चन जी के बारे में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जिस प्रकार की बात को उन्होंने किया, केंद्र सरकार पे जो एक निशाना लगाया, बिल्कुल वाकई काबिल तारीफ थी। हालांकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं होगी इस डिसीजन पे भी हम लोग नहीं पहुंचेंगे, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस अपडेट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितना फायदा हुआ। सच तो ये है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पूरे सरकार में बातें होना शुरू हो गई। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इस बात को साइड में रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे कैसे क्या चीज़ें हुई। दोस्तों आप सब ने इस वीडियो को देखा होगा या इस पेपर को देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको मिला जरूर होगा, जिसमें केंद्र सरकार को काफी कुछ बोलते सुनाते हुए माननीय जया बच्चन जी जो हमारे सांसद हैं उन्होंने आपको देखा होगा, पेपर में आपने पढ़ा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रमुख उनकी जो लास्ट की लाइन है, प्रमुख तीन सूत्री जो उन्होंने मांग रखी थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, बिल्कुल काबिल तारीफ थी। उन्होंने जो ये बात रखी थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो अपने 60 साल तक बीमा उनका अब उनका बीमा नहीं हो सकता है, उनकी कोई भी कंपनी अब उनकी बीमा करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने 60 साल की उम्र के ज्यादा हो गया, और जितने भी 60 साल की उम्र वाले ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जाके अपना बीमा करवाने की कोशिश करेंगे, उनका बीमा ही नहीं होगा, उनका बीमा नहीं होता है, लेकिन वो टैक्स देते हैं। ये बात उन्होंने उठाया और ये बड़ी मुद्दे की बात थी कि वो बीमा उनका नहीं होगा, वो टैक्स देंगे। ये कैसे है? मतलब कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ही इस मुद्दे को उठाया था, इसके पहले अपने जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से बोला गया था इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाते हैं, आप सब जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक वास्तविक में कितना परेशान है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा किस प्रकार से बात रखी जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सारी बातों को देखने सुनने के बाद में केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात को एक बार फिर से रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी आप लोगों ने देखा ना, हाल फिलहाल में जो बातें चल रही थी वो बातें फिर से एक बार सामने निकल के आई, यानी कि कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि का जो मामला था वो तेजी के साथ में उछाल ले लिया है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक नई प्रकार की बातें शुरू हो चुकी हैं, यानी कि बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य वही है कि हर बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि का वादा किया जाता है लेकिन पेंशन में वृद्धि होती नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी समय निकल आता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि तैयारी हो जाती है, इसके बाद भी पेंशन में वृद्धि नहीं होती है। आप सब जानते हैं कि पिछले बार ऐसा हुआ था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बस पेंशन की राशि देनी थी, घोषणा भी हो चुकी थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी फिर रुक गया। बहुत सारे सरकार जो तो ओपीएस को लेकर आ रही है, बहुत सारे सरकार जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, कहीं कहीं से देखा जाए, तो ये तो स्पष्ट होता है कि सरकार के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की बात कही जा रही है लेकिन बिल पास नहीं हो रहा है। बिल पास क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर भी हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और माननीय जो सांसद जया बच्चन जी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि माननीय जया बच्चन जी की खुशी में उन्होंने जो इस प्रकार से एक इतना स्टेटमेंट दिया है उस खुशी में हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सब उनके सम्मान के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, उनके सम्मान में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, उनके सम्मान में इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों हम सब आपके साथ में हैं, आप भी आप हमारे साथ दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।